हाई करना यू नो एक ऐसा काम है बेसिकली, ठीक है, जो थोड़ा बोरियत सा महसूस कराता है, ठीक है, उसके बजाय हमें खाना खाना ज्यादा अच्छा लगता है, मूवी देखना ज्यादा अच्छा लगता है, यू नो वो ऐसे काम है जिसमें हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, तो ऐसे काम को करना हमें ज्यादा अच्छा लगता है। तो और स्टडी का जो काम है बेसिकली वो उन कामों से तो नीचे आता है, इसलिए ज्यादातर लोग स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते। तो मैं आपसे क्या कहूंगा, आपको स्टडी स्लैब्स में करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग सोचते हैं ना, हम लोग क्या सोचते हैं ना, बहुत लंबी सोच लेते हैं और वो काम हो नहीं पाता है। मैं आपसे कहता हूं आप इतना ही सोचिए, मुझे आधा घंटा एक बार चेयर पे बैठना है, आधे घंटे के लिए मुझे कंप्लीट फोकस करना है, उससे ज्यादा दिमाग में लाइए ही मत। हाफ एन आवर जैसी खत्म हो एक छोटा सा एक क्विक ब्रेक लीजिए 5 मिनट का, किचन में जाइए, जो कुछ खाना है थोड़ा बहुत अपने यू नो मेरी ईटिंग हैबिट है, मैं खुद भी क्या करता हूं हाफ एन आवर की ब्रेक के अंदर मैं किचन जाता हूं, थोड़ा बहुत जो मुझे अच्छा लगता है वो उठा के खा लेता हूं, उसके बाद 5 मिनट के ब्रेक पे वापस आ जाता हूं और बैठ के पढ़ाई करता हूं। सो आप उसको स्लैब वाइज कीजिए, ऐसा मत सोचिए मुझे अब 3 घंटे चेयर पे बैठना, मुझे बैठे ही रहना है, ऐसे क्या बोरियत महसूस होती है, दिमाग को लगता है यार 3 घंटे का फालतू काम आ रहा है, वो कंप्लीटली फोकस नहीं कर पाएगा। आधे आधे घंटे के स्लैब में आपका दिमाग जो है ना कंप्लीटली हाफ एन आवर के लिए फोकस करेगा, क्योंकि आपने सुबह भी उसकी प्रैक्टिस किया कि हाफ एन आवर आपने उन चीजों को फोकस किया जो आपके सामने थी। तो स्लैब में पढ़िए और स्लैब में ब्रेक भी लीजिए, हाफ एन आवर के बाद 5 मिनट का ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर आप वापस आके बैठिए और फिर से उसको पढ़ाई करिए। दिन में एक ऐसा वक्त निकालिए जब आप स्टडी टेबल पे बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप अपने जो काम आपको पसंद है, ठीक है, जो आपके दिमाग में उस टाइम पे आपको लगता है आ सकते हैं, उनको निपटा लीजिए। आप स्टडी टेबल पे तब बैठे जब आपके वो सारे शौक पूरे हो जाएं। मैं आपसे बहुत ही फ्रीक्वेंटली बात बोल रहा हूं, इसलिए नाइट का जो टाइम होता है स्पेशली यू नो 9 to 12, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, जिसमें मुझे लगता है कि आपको ना घर से बाहर जाने की जरूरत पड़ती है ना दोस्तों से मिलने की जरूरत पड़ती है, 9 to 12 का जो टाइम होता है बेसिकली 8 to 12 इज वेरी गुड टाइम। वो 4 घंटे आपको कंप्लीटली आपको फेवर कर सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है खाना वाना खा के घूम के 8 से 8:30 बजे तक बैठ के 12 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है, उसके लेट नाइट स्टडी करने की आपको जरूरत नहीं है। 12 बजे तक पढ़ के उसके बाद आप आराम से रिवीजन करके सो सकते हैं, उससे पहले तक अपने सारे छोटे मोटे काम निपटा लीजिए जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, जैसे कि खाना खाना, सॉन्ग सुनना, दोस्त से मिलना, वो निपटा लीजिए जिससे वो दिमाग में आए ही नहीं। रिलैक्स होकर बैठेंगे तो स्टडी करने में ज्यादा मजा आता है। तो अपने जो यू नो ऐसे काम जो आपके दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं बेसिकली, उनको निपटा लीजिए।